ओके, नंबर 10th वर्ड इज इन हेल्पलेस. हेल्पलेस मीन्स इनकैपेबल, मजबूर और बेबस. आई एम हेल्पलेस इन दिस मैटर. ओके, ऑन लूशीट यू कैन मेक ओनली वन सेंटेंस, बट इन द क्लास वी विल डू द वर्क इन द क्लास वी हैव टू मेक टू सेंटेंसेस. लेकिन आपने होमवर्क जो अब सबमिट करवाना है तो आप एक सेंटेंस भी बना सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज सडनली. सडनली मीन्स इंस्टेंटली, अचानक से. द ओल्ड मैन स्टॉप्ड सडनली एंड लुक्ड बैक. आप साथ साथ ये भी चेक करें कि इसमें देखें पास्ट टेंस यूज हुआ है, पास्ट फॉर्म यूज हुई है, और कैसे पता है कि ये सेकेंड फॉर्म ही है, पास्ट फॉर्म ही है, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. क्योंकि वी वर डूइंग द पास्ट इनडेफिनिट टेंस, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी, उसके रेफरेंस से भी आप सेंटेंसेस चेक करो, तो ये आपको पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस में है सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज बेग्ड. बेग्ड मीन्स आस्क हम्बली, मांगना या फिर दरख्वास्त करना या रिक्वेस्ट करना भी आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं इंग्लिश में. शी बेग्ड फॉर द परमिशन टू गो ऑन अ ट्रिप. द नेक्स्ट वन इज डार्कनेस. डार्कनेस मीन्स ग्लूमी, शैडो, अंधेरा. डार्क, ओके, यू कैन मेक एनी सेंटेंस, बट हियर द सेंटेंस ऑफ डार्कनेस इज, डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट. द नेक्स्ट वन इज फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स स्केयर्ड, अफ्रेड, खौफ ज़दा होना. ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द फियर्स डॉग. इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वर्ड की, दैट इज फियर्स, आर स्लाइटली साइलेंट इसमें आता है फियर्स. द साउंड इज, द प्रोनाउंसिएशन इज फियर्स. ये हमने पहले भी पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में. ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ द फियर्स डॉग. वो और फियर्स मीन्स द क्रूअल, विशियस, उस डॉग से वो फ्राइटेंड था, खौफजदा. द लास्ट वन इज अपियर्ड. अपियर्ड मीन्स बिकम विजिबल, जाहिर होना. विद अ ग्रेट क्रैश ऑफ थंडर, प्लूटोज डार्क चैरिट अपियर्ड. अब यहाँ पे प्लूटोज अपोस्ट्रॉफी एस के साथ आया है. अपोस्ट्रॉफी एस मीन्स द पोजेशन. प्लूटोज डार्क चैरिट मीन्स द चैरिट ऑफ द प्लूटो, उसकी पोजेशन शो हो रही है. हर आप अपोस्ट्रॉफी साइन तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज की ऑनरशिप शो करनी है, पोजेशन शो करनी है, या उर्दू में हम कहें तो मलकियत शो करनी है. ठीक है, ओके. विद अ ग्रेट क्रैश ऑफ थंडर, यानी कि एक थंडर की एक आवाज के साथ, प्लूटोज डार्क चैरिट अपीयर. चैरिट हमने पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड घोड़ा गाड़ी. बेटे जो जो अपना कैमराज ऑन कर रहे हैं उनको मैंने क्लास से रिमूव कर देना है, फिर मुझे ये कोई ना कहे कि हमने हमें क्यों रिमूव किया. ओके, सो यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस ऑन द लूज शीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पुट द लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर. इसमें अब आप लूज शीट पे कैसे अटेम्प्ट करो, आपको ये पूरा ऊपर वाला सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है. You can write only the correct one. आप ये वाला सेंटेंस लिखो, करेक्ट सेंटेंस लिखो, और जो वर्ड है, जैसे ये वाला वर्ड है, just give me a minute. Okay, जैसे इसमें हमारे पास वर्ड है lonely, तो आपने उस वर्ड को कर देना है, हाईलाइट कर देना है कि आपने इसको करेक्ट ऑर्डर में किया. आपको दोनों सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि आपने लूज शीट्स पे कैसे अटेम्प्ट करना है. अगर आप पहले कर चुके हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. लेकिन जो साथ साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनको मतलब उनकी इजीनेस के लिए बता रही हूँ कि आपने दो दो सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सेंटेंस लिख सकते हो. जैसे फर्स्ट वन है, प्लूटो रूल द किंगडम ऑफ डेथ, ही वॉज वेरी डैश. तो हमने इस वर्ड को अरेंज करना है, द वर्ड इज लोनली. तो आप लोनली ही मतलब पूरा सेंटेंस लिखें, लोनली को करेक्ट ऑर्डर में लिखें और लोनली को हाईलाइट करते मीन्स पॉइंटर्स में लिखते हैं उसको. एंड डोंट फॉरगेट टू पंक्चुएट द सेंटेंस. आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही सेंटेंसेस में ही होती है, आप पंक्चुएट नहीं करते, कैपिटल लेटर का ध्यान नहीं रखते, फुल स्टॉप का ध्यान नहीं रखते. जैसे ये फुल स्टॉप था तो नेक्स्ट वर्ड ऑटोमेटिकली कैपिटल होगा, और फुल स्टॉप लगाना है या आपने जो भी यूज करना है
पंक्चुएट करना जिस तरह से भी. नंबर टू इज ही डिड नॉट हैव एनी वन टू बी हिज डैश. अच्छा, इस वर्ड में ऑलरेडी मिस्टेक है. द वर्ड इज क्वीन. यहाँ पे दो एन दिए हुए हैं हमारे पास. अपनी अपनी बुक्स पे भी करेक्शन कर लेना बेटे. टू टाइम्स हमारे पास एन दिया हुआ है. किसी भी एक एन को कट करके आपने वहाँ पे यू लिख देना है तो हमारे क्वीन के स्पेलिंग हो जाएंगे. द करेक्ट वर्ड इज क्वीन. ही डिड नॉट हैव एनी वन टू बी हिज क्वीन. नंबर थ्री इज प्लूटो हर्ड परसिफोन सिंगिंग. हर्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हेयर. हियर्ड नहीं पढ़ते इसको, हर्ड पढ़ते हैं. प्लूटो हर्ड परसिफोन सिंगिंग. यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑर्डर में जब हम इसको लिखेंगे जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं दैट इज कॉल्ड द वर्ड इज सिंगिंग. नंबर फोर इज ही वेंट अप टू वर्ड द डैश. द वर्ड इज अर्थ और अर्थ को आप ई कैपिटल लिखते हैं. अर्थ इज अ प्रॉपर नाउन तो ई कैपिटल आएगा. आपने अर्थ को ई स्मॉल नहीं लिखना, ठीक है. नंबर फिफ्थ इज ही कॉट परसिफोन एंड टुक हर टू द किंगडम ऑफ डेथ. हेयर द वर्ड इज परसिफोन. पी नेम, ऑब्वियसली ये परसिफोन नेम है तो पी शुड बी द कैपिटल वन. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है. ही कॉट परसिफोन. जब आप इस जंबल वर्ड को अरेंज करेंगे तो द वर्ड इज परसिफोन. Chris did not know where her dash was. The word is daughter. Arrange जब आप इन words को करेंगे तो word हमारे पास बनेगा daughter. She was so sad that she forgot her duties and dash stopped growing. The word is crops. Jumble word जो हमारे पास दिया हुआ है crops. C-R-O-P-S. Crops. नंबर एट डैश गेव परसिफोन एन एप्पल. प्लूटो, द वर्ड इज प्लूटो. पी कैपिटल, एक तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है इस वजह से भी कैपिटल आएगा. सेकेंडली नेम है तो कैपिटल लेटर से आएगा. प्लूटो गेव परसिफोन एन एप्पल. शी एट डैश ऑफ इट. द वर्ड इज हाफ. एच ए एल एफ हाफ. द लास्ट वन इज She could stay with her dash for the other half of the year. The word is mother. M-O-T-H-E-R. Mother. अपने ये सारा काम blue sheet पे ही attempt करना है. अगर आप पहले इसको कर चुके हैं तो भी ठीक है. अगर नहीं कर चुके तो you don't need to write the sentence two times. Just write it for the one time. और जो भी jumble word है आप उसको pointer से highlight करके लिख दो और एक ही बार लिख दो. The next word is, the next question is the fill in the blanks. अच्छा, fill in the blanks आप अपनी books पे solve कर सकते हैं. Fill in the blanks को आपको loose sheets पे करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको books पे solve कर सकते हैं और आपने इनको learn भी करना है क्योंकि paper में इसमें से भी आ सकती हैं और story में से भी आ सकती हैं. Story में से जो main important points होते हैं उनसे भी पूछा जा सकता है कोई भी MCQs. Okay. The number first one is Pluto ruled the kingdom of death. अगर आप story पढ़ी होगी आपने तो आपको पता होगा कि Pluto किस पे rule करता था, मतलब कहाँ पे वो, कहाँ का वो king था, kingdom of death का. Trees rewarded them so that dash grew well every year. Crops. Trees क्योंकि goddess of fertility थी, that's why she rewarded people with the good crops. She was dash and dash like a crops in the summer, tall and golden. और यहाँ पर she means the crease. Crease was tall and the golden like the crops in the summer. Number four is the whole earth was dash and dash all the year. Okay, before the kidnap of the Persephone, the whole earth was fresh and evergreen and there was no heat or no coldness. No darkness. Number fifth is Pluto became lonelier and lonelier. Okay. यहाँ पे आप देखो lonelier में degree कौन सी use हुई है. It's a second degree comparative degree. Lonely की comparative degree use हुई है. Lonely, lonelier, loneliest. Degrees of adjective, comparative degree यहाँ पे हमारे पास use हुई है. आप जो भी आप English A में पढ़ते हो आप English B में grammar के accordingly जो जो आप पढ़ चुके हो आप उसको find out किया करो. जैसे नेक्स्ट वन में मुझे बताएं, चेक करें. परसिफोन सॉन्ग. अच्छा, यहाँ पे परसिफोन सॉन्ग अपोस्ट्रॉफी एस पोजेशन शो कर रहा है.
means the song of the Persephone. Persephone's songs made him dash and lonelier than ever. Sadder. Sadder again हमारे पास एक डिग्री यूज हुई है उसकी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है. नंबर सेवन Persephone was playing with the groups of dash nymphs. Persephone nymphs के साथ खेल रही थी group of nymphs के साथ. Okay. Persephone was dash with the laughter, helpless. Dark clouds of dash came out of the hole. Black smoke. When the Pluto's chariot appeared from the hole, तो black smoke, dark clouds of black smoke appeared. Okay, next one is you shall rule the land of the death with me. Dead, land of dead. जो वर्ड हमारे पास स्टोरी में यूज हुआ है हम वही यूज करेंगे लैंड ऑफ डेड. ही हेल्ड हर आर्म मोर टाइटली. अब यहाँ पे टाइटली मुझे बताओ यहाँ पे टाइटली. ओके मैंने आपसे जब मैं अनम्यूट करूंगी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि टाइटली अब ये एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है. नंबर 12 ही लुक्ड एट हर ब्यूटिफुल डैश फेस फ्राइटेंड. फ्राइटेंड के स्पेलिंग चेक कर लें एफ आर आई जी एच टी ई एन ई डी फ्राइटेंड और आगे ई डी हमने यूज किया फ्राइटेंड. आई विल गिव यू ऑल माई गोल्ड एंड ज्वेल्स. बेटा वाई आर यू रेजिंग योर हैंड्स. मैं सिर्फ एक को अनम्यूट करके पूछ रही हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा अदरवाइज प्लीज डाउन योर हैंड्स. यस हसन नदीम प्लीज टेल मी. वालेकुम अस्सलाम. टीचर कल आपने क्लास में क्या करवाया था? बेटे मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी. ओके. जितने भी स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया हुआ है ना प्लीज डाउन योर हैंड्स. अगर कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आवाज क्लियर नहीं है स्क्रीन शो नहीं हो रही तो प्लीज डाउन योर हैंड. मैं लास्ट टाइम वॉर्न कर रही हूँ आपको. ओके नंबर 14 इज दे हैड डैश इन देयर हैंड्स एंड चेजिंग हर फ्लावर्स. यहाँ पर हम निम्स की बात कर रहे हैं कि उनके हैंड में फ्लावर्स थे और वो चेजिंग हर मीन्स चेजिंग पर्सिफोन. ओके नंबर 15 द निम्स हिड इन द वुड्स एंड स्ट्रीम्स. स्ट्रीम्स नदी एस टी आर ई ए एम एस स्ट्रीम्स. नंबर 16 ग्रेट वेव्स अपीयर्ड एंड प्लूटोज डैश वर अफ्रेड. प्लूटोज हॉर्स मीन्स द हॉर्स ऑफ प्लूटो. Chariot, number next is, chariot drove on into the dash of Pluto's kingdom, darkness. She did not listen to the dash of the people, prayers. P-R-A-Y-E-R-S, prayers. Some people died of the dash and some died because they were so dash. ओके सम पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हंगर एंड सम डाइड बिकॉज देर वर सो कोल्ड. क्योंकि क्रीज डिडंट लिसन द प्रेयर ऑफ द पीपल एंड द क्रॉप स्टॉप ग्रोइंग द पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हंगर एंड सन स्टॉप शाइनिंग एंड पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द कोल्डनेस. शी लिट अ डैश एंड वेंट टू लुक फॉर द Persephone. शी लिट अ टॉर्च. लिट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लाइट. ये हमने पढ़ा भी था. लिट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लाइट. जलाना रोशन करना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर इज और देयर आर. देयर इज ऑब्वियसली इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड आर इज यूज्ड फॉर प्लुरल्स. तो यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. इट्स वेरी सिंपल. देयर आर 10 पेंसिल्स इन द बॉक्स. अब ये प्लुरल है हमारे पास पेंसिल्स हैं और नंबर भी हमारे पास दिया हुआ है 10 तो देयर आर आएगा यहाँ पे. नंबर नेक्स्ट इज डैश अ बाइसिकल इन द गैरेज. सिर्फ एक बाइसिकल की बात हो रही है तो देयर इज आएगा. नंबर नेक्स्ट इज डैश आर सम कप्स ऑन द टेबल. प्लूरल कप्स देयर आर. नंबर 4 इज डैश अ टीवी इन द बेडरूम. एक सिंगल टीवी की बात हो रही है. देयर इज अ टीवी इन द बेडरूम. There are dash 3 chairs in the kitchen. Numbers भी दिए हुए हैं और
चेयर्स एस है, प्लूरल है, उससे भी हमें पता चल रहा है कि इट्स अ प्लूरल वन, तो देयर आर आएगा. नेक्स्ट इज डैश मैनी पैरट्स ऑन दैट ट्री. मैनी से भी पता चल रहा है कि ये ज़्यादा है, और पैरट्स प्लूरल से भी पता चल रहा है कि ये ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसमें हमारे पास देयर आर आएगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज डैश अ न्यूज़पेपर ऑन द कारपेट. एक सिंगल न्यूज़पेपर की बात हो रही है, न्यूज़पेपर्स नहीं लिखा हुआ, प्लूरल सिंगुलर है, तो देयर इज आएगा. एंड द लास्ट वन इज डैश टू टेबल्स इन द ड्राॅइंग रूम. नंबर ऑफ टेबल्स भी बताया हुआ है, और उससे वर्ड से भी हमें पता चल रहा है कि टेबल्स हैं, तो देयर आर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम क्विकली कर लेते हैं, उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो कर लीजिएगा. फाइंड आउट द सूटेबल वर्ड्स विद द कम्प्लीट कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड मीन्स कि जिसमें हम दो वर्ड यूज करें हैं और दोनों वर्ड्स के सेपरेट मीनिंग्स हैं. ये नहीं है कि कोई मतलब कोई हम ऐसा वर्ड नहीं यूज करें जो कोई वर्ड मतलब सेंस ही नहीं बन रही है. जिस तरह से लुक एट द एग्जाम्पल, बेड एक सेपरेट मीनिंग है उसका, रूम का एक सेपरेट मीनिंग है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन जाएगा विद द न्यू मीनिंग, दैट इज कॉल्ड बेडरूम. ठीक है, मैंने मार्कर यूज करना है ना, यहाँ पर है ना, इसमें से. अच्छा, ओके, द नेक्स्ट द वर्ड इज बास्केट, और यू कैन राइट एनी वर्ड हेयर. आई रोट हेयर बॉल, तो द वर्ड इज बास्केटबॉल. सम, सम वेयर भी आ सकता है, और भी बहुत सी ऑप्शन आ सकती हैं. डैश फ्लाई, अब यहाँ पे कुछ भी वर्ड आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने फायर फ्लाई लिखा है. फायर फ्लाई जुगनू. ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, यू कैन राइट एनी वर्ड हेयर. बर्थ डे, बर्थ ईयर, बर्थ मार्क, एनी वर्ड आ. ग्रेप सीड्स, ग्रेप जूस, एनी वर्ड यू कैन यूज. कट, हेयर कट, शॉर्ट कट. ठीक है, बोर्ड के साथ ब्लैक बोर्ड भी आ सकता है, वाइट बोर्ड भी आ सकता है, हेडफोन्स भी आ सकता है, और स्टेयर्स के साथ अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, यू कैन राइट एनी वर्ड्स. ओके, यहाँ तक अब आपने आज का काम करना है. आपने क्या करना है, सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, वर्ड्स मीनिंग लर्न करने हैं, जो जंबल वर्ड्स है उनका मैंने तरीका आपको बता दिया, और ये वाला लिखना है, और ये प्लीज़ साथ साथ लर्न भी करना है. नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ टेल मी.